अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। एक बात रही है, आप जो ये राजनीति का आए हैं तो राजनीति में कई लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने आए हैं, और मैं आपके ऑफिस में हूँ तो मुझे लग रहा है आप सर्व संपन्न है, तो क्या आप पैसा कमाने आए हैं? क्या विशेष कारण है आपका राजनीति में आने का, वो बताएं। मेरा राजनीति में आने का जो कारण है वो यही है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के जो संगठन में मेरे को जैसा भी काम दिया जाता है, ठीक है, उस काम को मैं बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से करता हूँ। ठीक है, इस बार बहन जी ने मेरे को एक आदेश दिया, ठीक है, या कह लीजिए कि बहन जी का मेरे प्रति ये प्यार था, ठीक है, या बहन जी को लगा होगा, ठीक है, कि इस बार इसको जो है राजनीति में लाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है, मैं चुनाव लड़ने के तैयार हूँ। राजनीति में आने का मेरा इतना ही कारण है। जहाँ तक पैसे की बात है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मेरे को सारी चीज़ें ठीक है, सब मेरे पास ठीक ठाक है, उसमें कोई कमी नहीं है। मेरे को जो आदेश मिला है मेरे को वो काम करना है। मैं जिस पार्टी का सिपाही हूँ, ठीक है, उस पार्टी में दो ही चीज़ें मायने रखती हैं, मेरा धर्म भी बहुजन समाज पार्टी है, मेरी जाति भी बहुजन समाज पार्टी है, मेरा धर्म भी मान्य बहन जी है, मेरी जाति भी मान्य बहन जी। इसलिए मेरा काम जो है, जो आदेश हुआ है, जो बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है, भारत का संविधान, उसके अनुसार काम करना। ये जो आपने जातिकरण की आप बाहर थोड़ी देर में बात करते हैं, तो जातिकरण को कैसे खत्म करेंगे और कैसे इस पे वोट मांगेंगे और कैसे इन जातियों को एकजुट कर पाएंगे जो ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने क्षत्रिय वैश्य ठाकुर ब्राह्मण चमार ये सब जातियों को बना रखा है, उसको कैसे खत्म करेंगे? मैं यही कहता हूँ, मैं बार बार जो ये जाति की बात करता हूँ, धर्म की बात करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं वास्तव में इस बात को सुन के बहुत दुखी होता हूँ कि हमारे देश में गैर बराबरी की बात जाति और धर्म के नाम पे एक सरकार बन जाती है। एक ऐसी सरकार बन जाती है जो 5 साल चलती है और हमारे लोग जो है वो बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, नोटबंदी से, GST से, और आपके पुलवामा से, और इससे उससे देश का इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि देश की जो गरीब जनता थी, जो बेरोजगार लोग थे वो और ज़्यादा बेरोजगार हो गए, गरीब जो थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना मिल गए, और हम जाति और धर्म में बटे हुए। मैं सब लोगों को एक ही समझाता हूँ कि प्लीज़ जाति और धर्म से बाहर आइए, इन चीज़ों को सोचना बंद करिए। मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी जाति की बात कभी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि गैर बराबरी बंद होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कभी किसी जाति का नाम नहीं लेती है। मैं जानता हूँ इस बात को, 20 साल से मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी जुड़ा हूँ, मेरे सामने आज तक बहुजन समाज पार्टी में जाति और धर्म का नाम नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी कहती कि गैर बराबरी बंद होनी चाहिए। इस देश के संविधान में जो अधिकार मिले हैं सबको, वो अधिकार सबको मिलने चाहिए। इसीलिए जो लोगों को परेशानी है, जो थोड़ी बहुत मनुवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये बहुजन समाज के जो भी जितने स्मारक बने, इनके बनाने से गैर बराबरी खत्म होने के नजदीक आई है, क्योंकि उन लोगों में उत्साह आया है, उन लोगों में एक कैपेसिटी आई है बोलने की, तो ये लोग उसको नहीं चाहते, इसलिए वो बार बार जो है मूर्ति 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 हाथी 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 बोलते रहते हैं, जबकि उनको पता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा नहीं है, किसी भी चीज़ का मुद्दा नहीं है। एक समाज के जितने भी सुधारक हैं सिर्फ उनकी वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि ये हमारे समाज सुधारक हुए, नहीं ये काम करें, आप भी प्लीज समाज के लिए इतना अच्छा काम करें। राजपूत जी, बात बताइए, अगर आपकी बहुजन समाज सरकार सत्ता में आती है तो क्या सिर्फ बहुजन समाज के लोगों पे फायदा होगा या सब जन समाज का फायदा होगा? बहुजन समाज पार्टी की जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार आई, आप मेरे को एक जाति विशेष का नाम बताइए कि उस जाति को उस सरकार में प्रॉब्लम आई। भारत सरकार जब भी आई है यहाँ पे, मैं आपको एक नहीं 10 नाम ऐसे गिना सकता हूँ कि जाति और धर्म विशेष पे पर्टिकुलर हमले हुए हैं, ये मैं 10 बता सकता हूँ, एक नहीं। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही, आप एक जाति का नाम बताएं कि उस जाति या उस धर्म के प्रति बहुजन समाज पार्टी की सरकार का रवैया अलग रहा और बाकी लोगों के लिए अलग रहा। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो सर्व समाज की सरकार बनती है, सर्व समाज के लिए काम होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने काम हो रखे हैं आप उसमें देख लीजिए कि उसमें ABCD बना के और बाकायदा सबके लिए काम करा गया, बाकायदा सबके लिए काम करा। उस टाइम में ना किसी जाति के नाम और धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं हुआ। सबसे बड़ा बाबरी मस्जिद का फैसला आया बहुजन पार्टी की सरकार में, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उस सरकार में बाबरी मस्जिद का फैसला आया। पूरे देश को और दुनिया को ये बात समझनी चाहिए कि तब एक पत्ता भी नहीं हिला था, एक पत्ता भी नहीं हिला। मेरा मानना है कि अगर उस टाइम सरकारें ये होती जो आज है उत्तर प्रदेश में और देश में, तो शायद हमारे यहाँ इतनी जनहानि होती कि शायद हम गिन नहीं सकते।
अपोजिशन वाले हैं, जो अपोजिशन में जो आपका जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, दिलीप पांडे जी हो गए, तो इनकी राजनीति में आपकी राजनीति में क्या फर्क है वो बताएं। उनकी और मेरी राजनीति में ये फर्क है कि जो आपने भी मेरे को कहा कि आप पैराशूट प्रत्याशी हैं, असल में पैराशूट प्रत्याशी मैं नहीं हूँ। पैराशूट प्रत्याशी निश्चित तौर से मनोज तिवारी जी हैं। वो पैराशूट से आए और जहाँ पे पैराशूट उतरना चाहिए वहाँ पे उतरे, अभी तक 5 साल में वहीं बैठे हैं। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एक बार भी वहाँ पे नहीं आए हैं अपने इलेक्शन के बाद, क्योंकि उनका पैराशूट का मतलब ये होता है कि वो अपने जिस भी फील्ड में थे बहुत अच्छा कर रहे थे, वहाँ से उस फील्ड के नाम से और वो राजनीति में आए, राजनीति में उन्होंने यहाँ पे आए, लोगों ने उनको सर माथे पे बिठाया, लोगों ने उनको इज्जत दी, वो यहाँ के सांसद बने, सांसद बनते वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनको लग रहा है कि सांसद बनना जनता के बीच में जाना नहीं होता, उनको लग रहा है कि सांसद बनना एक सीढ़ी है, ठीक है, जो मैं आसमान तक पहुँच जाऊँगा जी। तो वो आगे से आगे चलते जा रहे हैं, जनता को भूल गए। अगर इस बार उन्होंने गलती कर दी चुनाव लड़ने की वहां से, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उनकी इस बार जमानत जब्त हो जाएगी, उनको 25,000 रुपए में से 1 रुपए वापस नहीं मिलने वाला। आपसे कैसे जुड़े लोग, उसके बारे में कोई नंबर तो मैंने बोल दिया, या कोई अपने ऑफिस कार्यालय कहाँ कहाँ पर है उनके बारे में बताएं, और कैसे लोग आपसे मिल सकें और कैसे आपको सपोर्ट करें? आप तन मन धन से सपोर्ट चाहते हैं, किस तरीके की सपोर्ट चाहते हैं आप अपने वोटर्स को बताएं? मैं सबसे एक ही सपोर्ट चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो हमारा लोकसभा का जो कार्यालय है वो चांद बाग भजनपुरा में है, पेट्रोल पंप वहाँ पे एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बोलते हैं, पेट्रोल पंप के सामने वाला एकदम अपना ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस पे आए, वहाँ पे मैं रहता हूँ, पूरे हमारे सदस्य रहते हैं, पार्टी के सदस्य रहते हैं, संगठन के सदस्य रहते हैं और समाज के लोग भी आते जाते मिलते जुलते रहते हैं, हम वहाँ आ सकते हैं। मेरा नंबर जैसा कि इन्होंने बताया आपको, मेरा नंबर है 8899000999, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे अवेलेबल हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है कि मैं कहाँ मिलूँगा, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं खुद आ जाऊँगा, मैं सबसे मिलने को तैयार हूँ, पूरे देश में मिलने को तैयार हूँ। मैं अपने लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, अपने आप को अवेयर रखें, जागृत रखें, इस बार जो भी होगा देश में बहुत अच्छा होगा। आप थे हमारे साथ राजवीर जी, जो दिल्ली लोकसभा सीट सर हैं, और आपने उनकी वक्ता में देख लिया हुआ है किस तरीके के व्यक्ति हैं, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं। हमारी मुलाकात राजस्थान में भी हुई थी, जो एक पत्थर का कारोबार करते हैं, और वहाँ भी बिल्कुल मैंने जब उनको आँखों से देखा तो बिल्कुल किसी चाय वाले के साथ भी बैठ के अपने आप में भेदभाव नहीं समझते हैं, बिल्कुल कैजुअल तरीके से उनसे मिलते हैं और बड़ी पारिवारिक तरीके से मिलते हैं, ये इनकी विशेषता है। अपने आप को कभी जाहिर नहीं करने देते, बड़ी लग्जरी गाड़ी तो जरूर है इनके पास, स्कूटर पे भी चलना होता है तो बिल्कुल समाज के लिए देश के लिए तुरंत चल पड़ते हैं। तो राजवीर जी, अगर आप अपने सपोर्टर वोटर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, आप हमारे चैनल के साथ लाइव हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब सपोर्ट में रहिएगा, बने रहिएगा, अपने लिए बने रहेगा, अपने देश के लिए बने रहेगा, अपने समाज के लिए बने रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सपोर्ट करें, जहाँ पे भी हैं वहाँ से सपोर्ट करें। प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती कि इस बार हमारे पास ये मौका है, इसको हम बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।